जी वेलकम बैक। और हम अभी अपनी वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ, अपने जो सेशन है इसके तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता रहा था कि हम एक सेशन करेंगे किसी न किसी चीज़ के बारे में जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकती है या उससे हटके भी हो सकती है। तो इसमें मैं बता रहा था कि हम डॉकर्स जो है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो डॉकर्स क्या टेक्नोलॉजी है या उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसके आप वेबसाइट है dockers.com। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करें। डॉकर को आप लिनिक, मैं क्योंकि लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इस पे इसका वर्जन इंस्टॉल किया कर लिया है, मैंने किया हुआ है। आप मैक या विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए डॉकर इस्तेमाल करें। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है और इसकी ज़बरदस्त होने की वजह ये है कि आप बहुत सारे सिस्टम्स आप अपने ही कंप्यूटर पे या आपका अगर कोई सर्वर है उस पे चला सकते हैं। तो इससे एक मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है वर्चुअलाइजेशन, और इसमें एक सॉफ्टवेयर है वर्चुअल बॉक्स, और भी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं वर्चुअलाइजेशन के, और उसके और इसके आपस में मिलता जुलता फंक्शन है, लेकिन इसमें फिर भी एक डिफरेंस है। तो डिफरेंस इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आप वर्चुअलाइजेशन में आपके एक वर्चुअल कंप्यूटर बन जाता है, उसमें आप हार्ड डिस्क रैम चीज़ें मेंशन कर देते हैं, तो वो जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्चुअल बॉक्स में वर्चुअलाइजेशन में होता है वो चलता है तो वो सारे रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। मिसाल के तौर पे हम उसमें उबंटू सर्वर चलाते हैं तो जो हमने रिसोर्सेज मेंशन किए हैं वो कंज्यूम होंगे, और इसी तरह दूसरा हम सर्वर चलाते हैं उसमें कुछ और कर रहे हैं तो वो उसके अलग से होंगे। तो वहाँ पे फुल फ्लैज वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। तो डॉकर में ये होता है कि ये आपके जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी को इस्तेमाल करता है। जैसे मैं अभी लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी कर्नल है ये इसी को इस्तेमाल करते हुए काम करेगा, यानी कि फुल मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें फिर कुछ कंसेप्ट्स हैं, इमेजेस, कंटेनर टेक्नोलॉजी के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा। तो आप बहरहाल ये डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। मैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाह रहा था, वहाँ पे एक अच्छी सी एक डायग्राम थी, ख़ास तौर पे जो वर्चुअलाइजेशन और इसके कंपैरिजन के बारे में। जी ये वाली डायग्राम है। तो वर्चुअल मशीन में जैसे कि आप देखें यहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंसेप्ट है, क्योंकि आप वर्चुअल मशीन कोई भी आप बनाते हैं उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच आपने इस्तेमाल करना है, जैसे सीडी से बूट करते हैं या यूएसबी से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वगैरह वगैरह, और नीचे आपकी होस्ट मशीन होती है। तो इसमें कंसेप्ट और टाइप का है, इसमें कंसेप्ट है कि आपकी एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन, और यूज़ या आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वही इस्तेमाल हो रहा है, उसमें उसका अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसमें एक तो आपकी ये स्पेस की बचत है कि जो आपका मौजूदा सिस्टम है ये उसी को रन कर रहा होता है, तो यानी इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है वो यहाँ से, तो इसकी बचत हो गई है। तो फिर बाकी आप
जो टूल्स आपने करने होते हैं इंस्टॉल वो फिर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम देखते हैं, इंस्टॉलेशन अगर आप कर लें तो हमारे पास जैसे मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ है डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पे ये मुझे इमेजेस इसने लिस्ट कर दी हैं जो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, या इनको आप एप्लीकेशन समझ लें। और दूसरी इसमें चीज़ है कि कंटेनर्स, जब इन्हीं इमेजेस को आप इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर पर रन करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो वो आपके कंटेनर्स में इस्तेमाल होते हैं। में एक ls की कमांड है, लिस्ट अप कर सकते हैं कंटेनर्स को, क्योंकि अभी कोई कंटेनर रन नहीं हो रहा तो इसलिए ये अभी एम्प्टी शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसमें एक और इसमें मेंशन हम कर सकते हैं कि ऑल हमें लिस्ट ये दिखाए, क्योंकि आपको इसमें जिस चीज़ का भी नहीं पता तो आप यहाँ पे एक ये कमांड अपने लगा सकते हैं डबल डैश हेल्प, तो इसमें ये मेन डॉकर है उसकी हेल्प बता रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको इसी हेल्प को कंटेनर के बाद लिखूँगा तो ये फिर इसकी हेल्प बताएगा। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे इसमें ls की कमांड है तो अब ये ls की कमांड के आगे बता रहा है, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि एक ऑल कंटेनर्स का आ रहा है, वैसे बाय डिफॉल्ट जो रन हो रहे होते हैं ये उनको दिखा रहा होता है। तो मेरे पास ये कंटेनर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी ये एग्जीक्यूटेबल आपकी इन्वायरमेंट होती है। इमेजेस आपके इमेजेस होते हैं जो कि आप सर्वर से डाउनलोड करते हैं और आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। तो मैं इसमें और टैब्स खोल देता हूँ ताकि इसमें समझने में आसानी होगी। यहाँ पे मैं इमेजेस को रन करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस की लिस्ट आ जाएगी। तो आप अगर देखें तो
जी, इसमें ज़्यादातर काम टर्मिनल बेस्ड है, तो मुमकिन है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन बहरहाल इतना मुश्किल भी नहीं है। आप अगर चीज़ें करना चाहते हैं तो फिर आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, जो आपको मुश्किल भी लगती हैं चीज़ें उनसे भी। तो टर्मिनल बस ऐसी एक स्क्रीन होती है काली सी, कोई ख़तरनाक बात नहीं है। बाकी जिस तरह ब्राउज़र की टैब्स हैं, यहाँ पे मैंने टैब्स खोली हुई हैं, तो ज़्यादा टैब्स मैंने इसलिए खोली हैं कि ये आसानी के लिए। यहाँ पे मैं कंटेनर्स को रन करूँगा और यहाँ पे मैं इमेजेस की लिस्ट करूँगा। एक और टैब मैं यहाँ पे खोलता हूँ जो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं उनको देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। तो देखते हैं, अभी जो पहला मुश्किल काम है इसको इंस्टॉल करना, वो आपने खुद करना है, क्योंकि मुझे भी थोड़ी मुश्किल हुई थी इंस्टॉल करने में, लेकिन बहरहाल इंस्टॉल हो गया। तो इसमें बस मुझे यही लगा है कि इसके इंस्टॉलेशन वाला काम थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी उसके अलावा ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है। सर्वर्स पे तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप लोकल कंप्यूटर पे भी इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे इमेजेस की मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा था कि ये उबंटू का पुराना एक वर्जन है और लेटेस्ट वर्जन ये है। तो इसके साइज़ देखें कि क्योंकि ये आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, तो इन इनके इन्होंने जो फुल एडिशन है वो नहीं इस्तेमाल करने पड़े, इनको उनका छोटे वर्जन इस्तेमाल करने पड़े हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज आपके जो मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके इस्तेमाल करेगा। तो ये देखें बहुत कम है। इसमें अगर आपको एक ज़्यादा फिगर नज़र आ रही है बड़ी, तो वो आपको जीपीज में ये वाला एक नज़र आ रहा है, जो एक ईआरपी सिस्टम है, ये वाकईतन बड़ा है, इस वजह से इसका साइज़ ज़्यादा है। बाकी आप देखें एमबीज में ही है, बल्कि इसमें एक जो लिनक्स की एडिशन है एल्फाइन लिनक्स, ये तो सिर्फ लगभग 5 MB के बराबर इसका साइज़ है। और इसी में अभी हम इसमें तो खैर नहीं है, मैंने कोशिश की थी इसमें काम करूं, जो मैंने ये एक इनका ट्यूटोरियल फॉलो किया है, ये एक एप्लीकेशन बनाई है, तो उसमें इसी को इस्तेमाल किया है, एल्फाइन लिनक्स। तो इसको हम पहले यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इसकी जो एप्लीकेशन है वो चलाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि इमेजेस की लिस्ट में हेलो वर्ल्ड का इमेज नहीं है। अगर आप डायरेक्ट किसी चीज़ को चलाते हैं यहाँ पे जिसका इमेज मौजूद नहीं है, तो वो फिर इस इमेज को खुद ही डाउनलोड करेगा और फिर उसको खुद ही स्टार्ट करेगा। और ये कंटेनर्स जो हैं अभी इसकी लिस्ट में भी इस नाम से नहीं है, हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी ये फिर उसको रन करेगा। तो यहाँ पे मैं आपसे कह रहा था कि एक प्रोसेस जो चल रहे होते हैं उसको चेक करने के लिए एक टूल है डॉकर पीएस के नाम से। तो अभी क्योंकि कोई एग्जीक्यूट नहीं हो रहा बैकग्राउंड में, तो हमें इसलिए यहाँ पे ये लिस्ट एम्प्टी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अभी हम इसको इस कमांड को रन करते हैं। मेन कमांड यही है, डॉकर रन, और जो आप इमेज रन करना चाह रहे हैं इसको हम नाम भी दे सकते हैं, लेकिन अभी ये हम इसको डिफ़ॉल्ट जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दी है उसी को हम फॉलो करते हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये कह रहा है पहली बात ये कि ये इसको लोकल रिपोजिटरी में इमेज नहीं मिल रहा है, वो हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी में ये इसका इमेज मौजूद नहीं है। अभी ये उसी वक्त ऑनलाइन उस इमेज को उसने डाउनलोड किया है और फिर उस इमेज को आपने एग्जीक्यूट किया है। तो इमेजेस जो हैं वो एक लिहाज से सिर्फ ब्लू प्रिंट्स होते हैं आपके पास सेव होते हैं, और इसको आप जब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपके कंटेनर की सूरत में ये आपके रन होते हैं। तो यहाँ पे उसने यही किया है कि इस इमेज को डाउनलोड किया है और फिर एक कंटेनर रन किया है। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे रन करके इमेजेस, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक और इमेज का इजाफा हो गया होगा, ये हेलो वर्ल्ड।
ठीक है। और साइज़ देखें इसको, बहुत मामूली सा साइज़ है क्योंकि, लेकिन काम भी इसने खैर छोटा सा किया है, तो उसको हम देखते हैं इसने किया क्या है। तो यहाँ पे अभी हम इसको कंटेनर्स को लिस्ट करते हैं, इसने साथ ही इसको एग्जीक्यूट किया और साथ ही क्लोज कर दिया। इसीलिए आप देखें प्रोसेसेस में भी अगर आप आएंगे ना, तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा बैकग्राउंड में, यानी कि ये चल नहीं रहा है। ये कंटेनर इसने बनाया, इसका रन किया और उसको साथ ही उसको एग्जिट कर दिया। तो अभी हम यहाँ पे इसको रन करेंगे, तो इसने क्या किया है कि ये एक कंटेनर नया बन गया है, बाकी तो पुराने हैं। ये हेलो वर्ल्ड, और इसको उसने नाम भी खुद ही एक दे दिया नाम। तो वैसे हम खुद मेंशन करें नाम तो ज़्यादा अच्छा है, वो फिर आपको आसानी होती है। बहरहाल अभी इसको हम देखें कॉपी किया, तो किसी वजह से हमें इसी इसी जो इमेज है इसको एक दफ़ा और रन करने की ज़रूरत पड़ गई है। तो इसको हम दोबारा रन करते हैं, अगर इसी कंटेनर को, इसी इमेज को रन, जो है वो इमेजेस होते हैं और वो फिर आपके कंटेनर बन जाते हैं। तो कंटेनर आपकी एग्जीक्यूटेबल एनवायरनमेंट होती हैं, उसको आप दोबारा से स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसी कमांड को दोबारा चलाता हूँ, तो अभी थोड़ा सा इसमें फ़र्क आप देखें कि आप इसको डाउनलोड नहीं करना पड़ा है। तो फिर उसने इमेज से, क्योंकि लोकली उसको मिल गया है, उसको कंटेनर बनाया है और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे हम अगर फिर इसकी लिस्ट चेक करें कंटेनर्स की, तो मैं बल्कि इसको नई टैब में खोल लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे कंटेनर्स की लिस्ट भी देखनी पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमांड डॉकर कंटेनर ls, तो क्योंकि अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ऑल करता हूँ तो ये पुराने भी दिखाएगा। तो हम देखते हैं कि इसने उसी का एक और कंटेनर बना दिया है, उसी इमेज का। तो इमेजेस आपकी रीड ओनली होते हैं, सर्वर अगर लोकली मिल जाता है तो वो उसको उसी का कंटेनर बना लेता है, वरना उसको नेट से डाउनलोड कर लेता है। तो अभी ये कि मैं ब्रेक लूँगा एक छोटी सी, और फिर मैं बाकी आके ये कंटिन्यू करता हूँ।